अस्सलामु अलैकुम। हाय गाइस, दिस इज़ गुलेज़ारा एंड यू आर वाचिंग गुल्स कुकिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जो है वो बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। जो चीज़ मैं आज बनाने जा रही हूँ वो लैम्स लीवर है, यानी कि लैम्स कलेजी है। उसमें ये होता है कि जो कलेजी है उसमें खाते तो लोग ज़्यादा शौक से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कलेजी के अंदर होती है कि आपने उसकी स्मेल को ख़त्म करना है, और ये ज़रा ख़त्म करना मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे खसूसन जो हम लैम्स की या बड़े गोश्त की बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आ रही होती है, और अगर आ रही हो तो फिर उसका टेस्ट जो है वो नहीं रहता, यानी मज़ा नहीं आता खाने में। बेशक जितनी मर्ज़ी टेस्टी हो लेकिन स्मेल आपकी ख़त्म होनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से स्मेल नहीं आएगी जी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्यों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट बताई जाती हैं और अगर आप ना देखें तो वो मैं जो है वो स्किप हो जाती है जी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ वो आपकी स्किप हों और रेसिपी जो है वो आपकी वैसी ना बने। इसलिए प्लीज़ वीडियो को जो है वो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके लिए जो है वो मैंने लैम्स जो है वो लीवर लिया है, हाफ के जी है ये, और फोर्थ मैंने साइज़ के जो हैं वो मैंने टोमेटोस लिए हैं, और 5 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिए है, और 2 से 3 जो है वो मैंने ग्रीन चिली इस तरह से काट लिए, और 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो रेड चिली पाउडर है। इसके अलावा हसबे ज़रूरत नमक है, और 2 लेमन मैंने उनका जूस मैंने निकाल लिया, और जो है 1 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिए, और तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिए, और मीडियम साइज़ का जो है वो मैंने अनियन लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। गर्म पानी मैंने लिया था और गर्म पानी के अंदर मैंने इसे डाल दिया था, तकरीबन 4 मिनट तक जो है वो मैंने इसे गर्म किया पकाया, यानी उस दौरान ये है कि ये मेल्ट भी हो गया, इसके अंदर जो आइस थी और दूसरा एक्स्ट्रा जो खून है वो भी इसका निकल गया है। तो लेकिन जो बाज़ार से आप लेके आते हैं ताज़ा, मतलब ये है कि वो फ्रीज की हुई नहीं होगी, तो आपने उसे सिर्फ 2 मिनट तक गर्म पानी के अंदर रखना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर आप उसे ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो वो हार्ड होती जाएगी, ठीक है। बाद में इसको पकाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से पका सकते हैं। वेट तो आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है, वेट आपने नहीं लगाना। पानी गर्म करके आपने कलेजी उसमें डाल देनी है, और 2 मिनट जो ताज़ी होगी जो बाज़ार से आप फ़ौरन लाते हैं, 2 मिनट तक आपने उसे गर्म करना है। फिर उस दौरान ये होगा कि जो एक्स्ट्रा खून है वो निकल जाएगा, वो आपने फिर जो है वेस्ट कर देना है। ये दूसरा मैंने इसकी जो है स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे स्पाइसेस लिए हैं, ये गरम मसाला इसमें शामिल है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला के अंदर जो है काली मिर्च थोड़ी सी, इसके अलावा ज़ीरा और जो भी जो ऑल स्पाइसेस होते हैं गरम मसाले के, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, और साथ में जो है वो हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया लिए, ठीक है, साबुत धनिया उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिए। अब ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बन गया, तो मैं ये भी शामिल करूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जी। तो व्यूज़, यहाँ पे मैंने एक चूल्हे पे जो है वो पैन ले ली, और दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैंने कढ़ाई रखी है। अब मैं इस तरह से करूँगी कि मसाला मैं इसका अलग तैयार करूँगी, और जो कलेजी है वो उसे मैं अलग फ्राई करूँगी। तो आपने स्लो आंच के ऊपर जो है, स्लो फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करना है लहसुन अदरक डाल के। लहसुन अदरक डालने का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर से जो थोड़ी सी रह गई होगी इसकी स्मेल वो भी निकल जाएगी। तो स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करेंगे हम, जब मैं मसाला बना रही होंगी तो मसाले के अंदर मैं अलग से स्पाइसेस फिर करूँगी, कलेजी में कोई चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगी जी। ये लहसुन अदरक डालेगा, और इस जगह पे मैं जो प्याज है उन्हें लाइट ब्राउन करूँगी। अब लहसुन अदरक पेस्ट में मैं कलेजी भी ऐड कर दूँगी, और अब मैं जो फ्लेम है वो लो कर दूँगी। कलेजी जो है बकरे वाली जो कलेजी होती है, ये लैम की कलेजी जो है वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर हम अगर इसे कवर करके रखें तो गल जाती है, और अगर कवर करके ना रखें तो कम से कम 12 से 15 मिनट लग जाते हैं बस। तो मैं इसे कवर नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कवर भी कर लें, लेकिन अगर आप इसे इस तरह पकाएँगे ना तो इंशाल्लाह ये नरम बनेगी, लेकिन अगर आप इसे फ़ौरन से यानी वेट लगा देंगे
या इसको ज़्यादा बॉयल करेंगे। ठीक है, मैंने तो सिर्फ इसे बहुत कम माइनर सा बॉयल किया, ज़्यादा नहीं। जी, और चम्मच भी हम इसमें ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस इसे होने देते हैं। जी, तो प्याज जो है वो ब्राउन हो गए थे और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि टमाटर जो हैं वो खड़े खड़े हैं, वो बैठ जाएंगे यानी गल जाएंगे, और कलेजी दूसरी साइड पर जो है वो पक रही है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ कढ़ाई को। जी, टमाटर ये देखें हो गए हैं सही। अब मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में लेमन जूस जाएगा, ज़ीरा जाएगा, रेड चिली जाएगी, चिली फ्लेक्स जाएंगे, और ये जो स्पाइसेस मैंने दिखाए थे आपको, गरम मसाला इसमें है और सूखा धनिया। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं एंड पे इंक्लूड करूँगी, बिल्कुल जब 5 मिनट रह जाएंगे। नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, नमक भी बिल्कुल एंड पे मैं ऐड करूँगी। जी, लो फ्लेम में इसकी कर दूँगी और इसे कवर कर दूँगी और 5 मिनट तक मैं इसे पकाऊँगी। उतनी देर तक कलेजी जो है हमारी रेडी हो गई होगी। जी, तो कलेजी को तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर रही हूँ। अब मैं इस तरह करूँगी कि अब मैं कलेजी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, तो जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं वो तकरीबन इसको 5 मिनट तक पका लें तो ये रेडी हो जाएगी, लेकिन जो लोग थोड़ा सा ज़रा इसे खुश करना चाहते हैं तो इसे मज़ीद खुश कर लें। अभी मैं इसके अंदर नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी है ना मैं उसको ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं नमक डालूँगी। तो 5 मिनट इसे हो गए, देखें ऑयल इसका अलग होना शुरू हो गया। अब मैं इसे इसमें नमक डाल दूँगी। जी, सॉल्ट जो है वो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और ये 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकेगी, उसके बाद फिर इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। जी, इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए, मैंने 5 मिनट रखा है। अब मैं अदरक डाल दूँगी और साथ में ये जो हरी मिर्च काटी हुई थी। ये कलेजी बिल्कुल रेडी है, अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। जी, लैम्स कलेजी जो है वो रेडी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहें, और साथ में चैनल को शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी और दुख से दूर रखे। आप मुझे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।